ये टीवी देख रहे हो आप, 32 इंच का टीवी है, इसकी थी बैक लाइट ख़राब। मैं दिखाऊंगा अभी खोल के मैकेनिकों ने क्या जुगाड़ कर रखी है इसमें। ये पहले कस्टमर किसी के पास गया था 2000 रुपये में इसकी बैक लाइट चेंज की। ये चला लगभग 1 महीना 10 दिन के करीब, और दुकानदार ने जिम्मेवारी ली थी इसकी बैक लाइट चेंज करने की, जो वो 1 महीने की। उसके बाद ये दोबारा गया कस्टमर के पास, ये बंदा दुकानदार के पास दोबारा गया ये बंदा, तो इसको बोला गया भाई साहब मेरी तो गारंटी ख़त्म होगी, दोबारा लगवानी है तो आपको 2000 रुपये फिर देने पड़ेंगे। कस्टमर ने थोड़ी सी बहसबाजी की तो वो 1600 रुपये में बात डन होगी, और फिर उसने बैक लाइट लगाई और 3 दिन में फिर टीवी ख़राब होगी बैक लाइट। तो अब कस्टमर मेरे पास टीवी लेके आया है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ दुकानदार की क्या करतूत रही इसमें, उसने किया क्या है इस टीवी में। अभी मैं खोलने जा रहा हूँ इस टीवी को, और मुझे पता पक्का बैक लाइट ख़राब है। तो देखो मैंने इसकी बैक लाइट पहले ही ला के रखी हुई है ये, और मैं सेट लगाऊँगा पूरे का पूरा नया, और मैं दिखाऊँगा इस टीवी में भी दुकानदार ने कौन सा गेम खेला हुआ है, जो अक्सर दुकानदार करते हैं टीवी रिपेयर करते वक्त बैक लाइट के साथ में। तो चलिए टीवी ओपन करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे खोल लिया मैंने ये पैनल, और देखो भाई क्या हाल कर रखा है। ये देखो फट्टी ख़राब थी, तो बंदे ने सिर्फ एक फट्टी नई लगाई ये, और बाकी जो इसकी पुरानी फट्टियाँ थी उन पे देखो क्या जॉइंट मारे हैं। ये देखो बल्ब काट काट के लगा दिए, जो मैकेनिक हमेशा करते हैं। यार मैं यूँ कह रहा हूँ, आपने कस्टमर से 3600 रुपये ले लिए, 3600 रुपये की वैल्यू नहीं है क्या कुछ आपकी निगाह में? 3600 रुपये लेने के बाद अगर आप कस्टमर को ये करके दे रहे हो, ये जुगाड़ करके दे रहे हो, तो यार ये क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? और भैया सतर्क हो जाओ, मैकेनिक से कोई भी कस्टमर, देखो साहब बोल रहा हूँ, हर बंदा बेईमान नहीं है लेकिन हर बंदा ईमानदार भी नहीं है। अपने सामने लगाओ भैया, अपने सामने खुलवा लो, सिग्नेचर करके आ जाओ, और उसे बोल दे मुझे नहीं चाहिए भैया, मेरी फट्टी वापसी कर दियो। अगर ये कस्टमर इनको खुलवा लेता अपने सामने ही, और इन फट्टियों पे सिग्नेचर करके आ जाता और कहता मेरी फट्टी वापसी दे दियो, तो एक दुकानदार ये नहीं कर पाता। तो भैया सावधान रहना पड़ेगा। अब मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ 3 फट्टी न्यू, और उसके बाद चेक करके दिखाऊँगा आपको कितनी ओके चलेगी। और 1-2 साल की छुट्टी होती है भैया एक बार करवाएं, जो बार बार पैनल खुलता हो उसमें पैनल का भी खतरा, लाइनें आने का, और भाई परेशानी तो कस्टमर को होती ही है, प्लस पैसों का भी नुकसान है। तो ये देख लो, सभी भाइयों से निवेदन है भाई कोई भी मैकेनिक ये काम ना करे, ये वाला ये काम करोगे तो आपका ग्राहक टूट जाएगा, कभी नहीं आएगा, प्लस आपको बार बार परेशानी भी उठानी पड़ेगी, ग्राहक को भी परेशानी होती है, बार बार टीवी लाता है, आप उससे पैसे हटते रहते हो, और दुकानदार भी कोई ज़्यादा खुश नहीं होता, वो भी चाहता है यार आए ना अब टीवी, क्योंकि जब ग्राहक टीवी लेकर आएगा, ऐसा बंदा अब टीवी लेकर आएगा उसके साथ ये धोखाधड़ी करता है दुकानदार, तो दुकानदार की भी मुँह नहीं खुलता, जुबान नहीं खुलती, वो बोलता है भैया देखो वहाँ चेक करूँगा, वो अपनी करतूत नहीं बताता कि मैंने इसके अंदर ये जुगाड़ करके दिए, आपके पैसे तो लिए नहीं के, लेकिन आपको नई लगाई नहीं है, मैंने चेप दिया है आपको ये। अपनी 1 महीना निकल जाए उसके बाद फिर वो बोल देता मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो भैया सावधान रहो, ग्राहक भी और दुकानदार भी ऐसा काम ना करें जो कर रहे हैं अभी भी। तो जैसा आप देख रहे होंगे मैंने लगा दिए 3 फट्टी न्यू, 1, 2, 3, और इसका ये बैक पेपर भी गला हुआ था, तो ये मैकेनिक ने जुगाड़ कर रखा है पहले से ही, ये वाइट पेपर लगा रखा है इस पर। लेकिन अब फट्टी लगा दी है मैंने तीनों न्यू, आप देख लो तीनों न्यू फट्टी लगा दी, अब कनेक्शन करके चलाऊँगा। और ये निकली थी इसमें 3 फट्टी, ये देखो ये वाली, और मैंने अब लगाई है 3 फट्टी ये न्यू। अब यार मैकेनिक लोग यार इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई गालियाँ मत देना, क्योंकि 90% लोग ना गालियाँ ही देते हैं,
कहते सचिन यार तेरे को क्या जरूरत है ये सब करने की यार, जिसका धंधा चल रहा है चलने दे, जिसका करना है करने दे, और बहुत सारी तमाम बातें बोलते हैं मुझे। लेकिन यार मेरा दिल नहीं मानता, मैं कस्टमरों के हक में ये वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब होता है जो पैसे लेने के बाद भी अगर ग्राहक के साथ ये होएगा ना यार, ये तो यार ये दिल दुखता है। देख ये सब नहीं होना चाहिए। पैसे पूरे ले लिए आपने, 3600 रुपये दे चुका है ये 32 इंच टीवी में, यार 8500 का टीवी आ जाता है लोकल यार, और फिर भी उसको काम ना मिले, फिर भी उसका टीवी ना चले, तो भैया कस्टमर तो रोएगा ना फिर। तो चलिए, तो जैसे कर रहे हैं उसको वैसे ही मुबारक। तो लगा दी है मैंने लाइटें, लगा चुका हूँ मैं लाइटें, अभी इन्हें लाइट में लगा के देखते हैं। कनेक्शन कर दिए हैं, लाइट लगा दी है, ऑन हो गया सेट, देखते हैं अब। तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से बैक लाइट जल रही हैं, क्योंकि हमने सारी न्यू लाइटें लगाई हैं। अगर हम इनमें भी वही जुगाड़ करते हैं तो कोई धीमी जलती, कोई कम जलती, कोई ज़्यादा जलती, उससे क्या होता फिर 10-20 दिन बाद फिर वही दिक्कत आती। तो पैक करते हैं टीवी को और उसके बाद 2 मिनट की बातें करता हूँ मैं आपसे। मेरे पास आज एक कोडेक का टीवी ठीक होना है 32 इंच का, और आप यकीन मानोगे ग्राहक ने थोड़े दिनों पहले ही उसमें बैकलाइट डलवाई थी, यानी कि 1 महीना 10 दिन के करीब, और उसको दी थी दुकानदार ने जो गारंटी है वो 1 मंथ, और पैसे लिए थे 2000 रुपये, और 1 महीना 10 दिन के बाद वो बैकलाइट ख़राब होगी। तो वो दुकानदार के पास गया कस्टमर, तो उसने कहा जी मेरी गारंटी ख़त्म हो गई है। तो थोड़ी दोनों में कहा सुनी हुई तो 1600 रुपये में, फिर दुकानदार ने बोला जी मैं लेबर छोड़ दूंगा लेकिन बैकलाइट के पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और मैं 1600 रुपये में लगा देते आपको ये लाइट 1600 रुपये में लगा दूंगा इस बार, और गारंटी फिर भी मेरी 1 महीने की रहेगी। तो मरता क्या ना करता, वो वाली कहावत यहाँ पे चलती है। ग्राहक ने फिर बोल दिया उसको कि भाई लगा दे, अब के तो ठीक चलेगा ना, उसने कहा आज ही बढ़िया चलेगा सारी, मैं बैकलाइट चेंज कर दूंगा, और उसके बाद वो एलईडी लाइट लगा के दे देता है। 7 या 8 दिन बाद फिर वो ब्लैक हो जाती है, वॉइस आती है और बैकलाइट ख़राब हो जाती है, टीवी में रह जाती है सिर्फ आवाज़, पिक्चर के नाम पे अंधेरा। तो वो दुकानदार के पास जाता है, वहाँ उनकी कहा सुनी होती है, यहाँ तक कि मार पिटाई भी हुई। उसके बाद कस्टमर आया मेरे पास और उसने बोला सचिन भाई यार ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक, मैंने कहा भाई ले आओ आपके सामने ठीक करके दे दूँगा। उसने कहा नहीं नहीं भाई आप पे ट्रस्ट है, आप कर दो अच्छे से, जिम्मेवारी बताओ कितनी लोगे। मैंने कहा भाई जिम्मेवारी ले लेते हैं 1 महीने की, लेकिन आप 2 की ले लो, 3 की ले लो, 4 की ले लो, 5 की ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम ईमानदारी से करें तो सालों साल चले। तो मैं करतूत दिखा देता हूँ उस दुकानदार ने ग्राहक से के साथ किया क्या था। मैंने वे फट्टी निकाल ली है, अभी टीवी मेरे सामने रखा है, मैंने ओके करके रख दिया, लेकिन मैं करतूत दिखा देता हूँ। ये देखो ये 3 फट्टी उस बंदे ने क्या किया है, 1 फट्टी नई लगा दी बस, और बाकी सब फट्टियों में रिपेयरिंग कर दी, ये सब अलग अलग से बल्ब लगा दिए, जो एलईडी ठीक थी, जो भी ख़राब थी उसमें उसने ये बल्ब ऐसे टांग दिए। और दूसरी फट्टी में भी दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ तो बल्ब भी नहीं टांगा बंदे ने, यहाँ तो शॉर्ट ही कर दिया कि यार शॉर्ट ही कर दो कोई दिक्कत नहीं है चल जाएगा यार। ये जब है जब ग्राहक 1600 प्लस 2000 रुपये 1.5 महीने के अंदर टीवी मैकेनिक को दे चुका था, तो भाई सतर्क रहो। कोई भी बंदा जिसका एलईडी टीवी ख़राब होता हो, अब 90% एलईडीओ में यही प्रॉब्लम आ रही है, बैकलाइट ख़राब होती हैं, आपकी वॉइस आती रहेगी और अंधेरा हो जाएगा, आपको लगेगा मेरी स्क्रीन ख़राब है, बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई है, आराम से काम लो, और ये बैकलाइट ही ख़राब होती है पीछे से, और ये कोई 400-500 की बैकलाइट नहीं आती भाई, मैं ईमानदारी से बता देता हूँ। अभी मैंने लगाई है, देखो ये 3 बैकलाइट इसमें मैंने नई डाली है उस सेट में, और आपके सामने मैं दिखा देता हूँ।
तीनों न्यू लेके लगाई हैं, पूरा सेट चेंज किया है और अब ये चलेंगी सालों साल।